हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये इरिडोप सीरीज का लेक्चर 38 है और वेव मोशन का सेकंड एंड लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग इरिडोप की 4.172 टू 4.180 और 4.183 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं 4.172। स्ट्रिंग का तुम्हें मास दिया हुआ है एम और फिक्स्ड एट बोथ एंड्स दे रखा है और फंडामेंटल टोन में ऑसिलेशन चल रहे हैं। एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड ए मैक्स दिया हुआ है। एक तो आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है और दूसरा आपको मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग एवरेज ओवर वन ऑसिलेशन पीरियड ये निकालना है। एक बार दोबारा सुन लो, एम मास की एक स्ट्रिंग है और वो फंडामेंटल मोड में ऑसिलेशंस कर रही है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए मैक्स है। तो स्ट्रिंग की तुम्हें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और एक ऑसिलेशन में तुम्हें एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। एक्चुअल में फिगर ये है, देखो इस टाइप से कह लो। फंडामेंटल का मतलब यही हुआ ना, लेंथ क्वेश्चन में नहीं दे रखी है लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो एल है। अब ये बताओ, फंडामेंटल में केवल एक ही लूप बनता है और एक लूप लैम्डा बाई टू का होता है, इसका मतलब लैम्डा बाई टू की वैल्यू ये एल आ गई, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू टू एल आ गई। फिर के तुम जानते हो 2π/λ होता है, तो लेमडा को अगर मैं 2l रख दूं तो ये π/l आ गई। अब ये वाला पॉइंट नोड है, और इस पॉइंट को मान लो मैं x इक्वल टू 0 कह देता हूं, तो फिर यहां से x डिस्टेंस पे ax को हम क्या लिख सकते हैं बताओ। ax को हम लिख सकते हैं a मैक्स साइन kx, और k को मैं लिख ले रहा हूं π/l, तो इसका मतलब ये आ गया a मैक्स साइन पाई एक्स अपॉन एल, ये ए एक्स की वैल्यू आ गई। अब एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पे डीएक्स की एक स्ट्रिप ले लूं तो इतने छोटे से पोर्शन का जो मास होगा वो यूनिटरी मेथड से हम लिख सकते हैं एम बाई एल इंटू डीएक्स, और इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, इस छोटे से पोर्शन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मतलब जो डीएक्स तुमने लिया है या डीएम तुमने जो भी लिया है, इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो ओमेगा इंटू एएक्स होगा ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इतने पोर्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा इंटू ए एक्स। इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी डी के, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कह लो, ये कितनी हो जाएगी, तो हाफ डी एम इंटू वी मैक्स का स्क्वायर।
तो अगर तुम्हें पूरी स्ट्रिंग की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो x इक्वल टू 0 से l तक इंटीग्रेट कर दो, तो वहां से पूरी स्ट्रिंग की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। मैक्सिमम मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल स्ट्रिंग होगी वो तुम इंटीग्रेट कर देना, जो भी तुम्हारा रिजल्ट आया था, और लिमिट्स रख दोगे x की वैल्यू 0 टू x की वैल्यू l के इक्वल, ये कह लो बस हो गया। तो ये ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। एक बार दोबारा देख लो, ये तो a पार्ट हो गया। हाँ, फंडामेंटल मोड में ऑसिलेशन चल रहे हैं, तो इसका मतलब सिंगल लूप, सिंगल लूप का मतलब लैम्डा बाई 2 वो एल के इक्वल हो गया, तो वहां से लैम्डा की वैल्यू 2 एल आ गई। फिर तुम के इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा से के निकाल लो। उसके बाद मैंने तुमसे कहा एक्स इक्वल टू 0 एक नोड है, तो इसका मतलब वहां से एक्स डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ए की मैक्सिमम वैल्यू साइन की एक्स, और उस पॉइंट का छोटा सा अगर मैंने डीएक्स की स्ट्रिप ली तो उसका जो मास आया वो एम बाई एल इंटू डीएक्स हुआ यूनिटी मेथड से। तो उतने छोटे से पोर्शन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी बनी वो ओमेगा इंटू ए, ए का मतलब ए एक्स। तो जो छोटी सी काइनेटिक एनर्जी बनी, मैक्सिमम वाली बात चल रही है, सब मैक्सिमम चल रही है बेटा, ध्यान रखना। तो छोटे से पोर्शन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बनी वो बनी हाफ डी एम वी मैक्स का स्क्वायर। और अगर तुमने पूरी स्ट्रिंग की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो फिर छोटी सी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को तुम एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू एल तक इंटीग्रेट कर दो, वो आ जाएगा। और मेरे ख्याल से बी तुम जानते होगे, एवरेज वैल्यू जो आती है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम आती है। मेरे ख्याल से तुमने क्लास में डेफिनेटली किया होगा कि जो एवरेज वैल्यू आती है वो हाफ ऑफ की मैक्स आती है। क्यों? तो बस की मैक्स को हाफ कर दो, तो वहां पे 1/4 था, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। ये कह मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब के वही स्टैंडिंग वेव है और तुम्हें ये इक्वेशन दे रखी है और रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया एस दिया हुआ है और उसकी डेंसिटी रो दे रखी है, तो तुम्हें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कन्फाइंड बिटवीन सेक्शंस करस्पॉन्डिंग टू एडजेसेंट डिस्प्लेसमेंट नोड्स कह रहा है। दो नोड्स के बीच में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी ये पूछ रहा है। सबसे पहली बात तो एनर्जी बिटवीन टू एंटी नोड्स, बिटवीन नोड्स सक्सेसिव की बात कर रहा हूं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एनर्जी बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स। एक तो ये भी ध्यान रखना, एक तो ये बात आ गई, होने को इसको हम यूज नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन दो नोड्स, दो सक्सेसिव नोड्स के बीच में जो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन होगी वो दो सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच में भी होगी। दूसरी बात, अगर तुम इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो जो ए एक्स की वैल्यू आ रही है वो देखो ए साइन के एक्स आ रही होगी, इसका मतलब एक्स इक्वल टू 0 पे ए एक्स 0 है, तो एक तरीके से नोड है। क्यों? तो अगला नोड कहां पर होगा बताओ, जो है
नेक्स्ट जो नोड होगा वो होगा एक्स इक्वल टू लेमडा बाई टू पे, लेकिन अगर मैं लेमडा को टू पाई अपॉन के लिखूं तो फिर ये पाई अपॉन के पे भी होगा, इसका मतलब तुम्हें एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू पाई अपॉन के इन दोनों के बीच में एनर्जी निकलनी है कितनी हो? दोबारा सुन लो, दो सक्सेसिव नोड्स और दो सक्सेसिव एंटी नोड्स, उनके बीच में जो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन होगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे बाय द वे दो नोड्स के बीच में निकलना था। उसके बाद जो एक्सप्रेशन दिया था उससे हमें ये पता चला कि ए एक्स की वैल्यू ए साइन की एक्स है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे ए एक्स जीरो होगा तो वो नोड बन गया। तो अगला जो नोड बनेगा वो एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई टू पे बनेगा या फिर पाई अपॉन के पे बनेगा। तो इसका मतलब तुम्हें एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन किस किस के बीच में निकलना है, एक तो एक्स इक्वल टू जीरो और दूसरा एक्स इक्वल टू पाई अपॉन के पे कह लो। अब सिंपल है, जैसे तुम एक चीज देखो, ये एक्स इक्वल टू जीरो है और ये एक्स इक्वल टू पाई बाई के है, इनके बीच में तुम्हें एनर्जी निकालनी है, तुम एक्स पे चले जाओ और एक डीएक्स की स्ट्रिप ले लो, तो इतने पोर्शन का देखो मास कितना बना हुआ, एस इंटू डीएक्स, ये तो वॉल्यूम बना, नहीं है एस इंटू डीएक्स तो बना वॉल्यूम, और इसको रो से मल्टीप्लाई कर, ये हो गया। और एक्स कोऑर्डिनेट पे जो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है ना, नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट पे कह लो जो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स, इसका मतलब इतने छोटे से पोर्शन में जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो कितनी थी, देखो डी ई, ये मेरे ख्याल से तुम जानते होगे, हाफ डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इतनी एनर्जी थी, नहीं है इतने छोटे से पोर्शन में ये एनर्जी थी। अब अगर तुम्हें टोटल एनर्जी निकालनी है तो फिर इंटीग्रेशन डी ई कर दो और एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इक्वल टू पाई बाई टू को, पाई बाई के सॉरी, यहां तक आप डी ई को इंटीग्रेट कर दो, बस हो गया, ये कर दो। पिछला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। पिछली बार आपसे पूरी स्ट्रिंग की जो फंडामेंटल मोड में थी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, यहां पे तुम्हें मोड वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन तुम्हें दो सक्सेसिव नोड्स के बीच में मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है। तो उसका मैंने तुम्हें वे बताया कि क्या होगा, कि पहला नोड हमें x इक्वल टू जीरो पे मिल रहा है और दूसरा नोड x इक्वल टू पाई अपॉन k पे मिल रहा है। तो पहली बात तो इन दोनों के बीच में तुम्हें एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन निकालनी है। उसके बाद x कोऑर्डिनेट पे जो एम्पलीट्यूड है वो a साइन के एक्स है और वहां पे छोटा सा मास s इंटू dx, वो तो वॉल्यूम हो गया, इंटू रो किया तो मास बन गया। तो इसका मतलब उस पोर्शन की जो छोटी सी एनर्जी है, उस पोर्शन की जो छोटी सी एनर्जी है वो होगी हाफ डीएम ओमेगा स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, और फिर उसको एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू पाई अपॉन के तक इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल एनर्जी पता चल जाएगी। तो आंसर ये होगा वैसे भाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है ना,
ये एक वॉल है और ऑर्डर क्या आया है देखना, रिसीवर वन, सोर्स, रिसीवर टू और वॉल। ये हो गया रिसीवर वन जिसको हम ऑब्जर्वर कहते हैं, ध्यान रखना। ये आ गया सोर्स, ये आ गया रिसीवर टू और वो आ गया वॉल। ये हो गया, और इसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो 1000 हर्ट्ज है। और तुमसे कहता है सोर्स मूव्स एट राइट एंगल्स टू द वॉल, कह रहा है मूव्स एट राइट एंगल्स टू द वॉल। अब तुम्हें ना सोर्स की डायरेक्शन नहीं बता रखी है कि वो टूवर्ड्स द वॉल है या अवे फ्रॉम द वॉल है। दोबारा सुन लो, सोर्स तुमसे कह रहा है कि मूव्स एट राइट एंगल्स विद द वॉल, लेकिन तुम्हें ये नहीं बताया है कि वो टूवर्ड्स द वॉल मूव कर रहा है या अवे फ्रॉम द वॉल मूव कर रहा है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रिजल्ट आता है वो दोनों केस में सेम आता है। तो मान लो मैं इधर को ले लेता हूं और ये यू से मूव कर रहा है, तो आपसे कहता है कि विच रिसीवर रजिस्टर्स द बीटिंग एंड व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ साउंड, तुम्हें ये दे। अब मेरे ख्याल से तुमने इसमें एक चीज पढ़ी होगी कि वॉल से रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए हम एस की एक इमेज ले लेते हैं। नहीं है, वॉल से रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए हम क्या करते हैं, एस की एक इमेज ले लेते हैं। इसका मतलब ये एस डैश हो गया और ये इधर को यू से आ रहा है, तो ये जो एस डैश हमने एज्यूम किया है ये किया है फॉर रिफ्लेक्टेड साउंड। अब सुनो, अगर मैं आर टू को देखूंगा तो उसके एस और एस डैश दोनों के दोनों क्लोज आ रहे हैं। नहीं, आर टू को देखोगे तो एस भी क्लोज आ रहा है, एस डैश भी क्लोज आ रहा है। इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ने के बाद इक्वल रहेगी। नहीं, बढ़ने के बाद इक्वल रहेगी, इसका मतलब ये कोई बीट्स नहीं सुने, No beats। अब चलते हैं आर वन पे। इसमें देखो सोर्स तो जा रहा दूर तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और एस डैस आ रहा है नजदीक, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी में एक डिफरेंस आ जाएगा, क्यों, फ्रीक्वेंसी में एक डिफरेंस आ जाएगा, और वो जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी। तो इसमें तुम्हें बीट सुनाई देगी। और मैंने आपसे कहा एस डैश नजदीक आ रहा है तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, देखो फाइनली जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ एस डैश, डैश कर दे रहा हूं, डैश का मतलब चेंज फ्रीक्वेंसी, माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ एस, ये भी डैश हो गया, डैश का मतलब चेंज फ्रीक्वेंसी। अब एस डैश पे आ जाओ, बस हो गया, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स नजदीक आ रहा है, क्यों, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स नजदीक आ रहा है, इसका मतलब ये बनेगा एफ नॉट वी अपॉन वी माइनस यू, ये हो गया। अब एस पे आ जाओ, इसमें ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स दूर जा रहा है, क्यों, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, सोर्स दूर जा रहा है, तो ये हो जाएगा एफ नॉट वी अपॉन वी प्लस यू। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना और आंसर फाइंड कर लेना।
एक बार दोबारा सुन लो, एक वॉल है, रिसीवर वन आर वन है, फिर सोर्स है, फिर रिसीवर टू है, और सोर्स वॉल के राइट एंगल पे मूव कर रहा है, लेकिन ये नहीं दिया कि टुवर्ड्स द वॉल है या अवे फ्रॉम द वॉल है। तो मैंने आपसे कहा दोनों केस में एक ही रिजल्ट आएगा, इसमें तुम दिमाग लगाना ऐसा क्यों होगा। तो चलो मैंने टुवर्ड्स द वॉल मान लिया। अगली बात, रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम एस की एक इमेज एज्यूम कर लेते हैं एस डैश। अब मैंने आर टू को देखा, तो आर टू के एस और एस डैश दोनों नजदीक आ रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ने के बाद इक्वल हो जाएगी, तो तुम्हें बीट्स नहीं सुनाई देंगी। और अगर मैं रिसीवर वन को देखूं तो एस तो जा रहा है दूर, तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कम, और एस डैश आ रहा नजदीक तो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसका मतलब दोनों फ्रीक्वेंसीज में एक डिफरेंस आ जाएगा, नहीं, दोनों फ्रीक्वेंसीज में एक डिफरेंस आ जाएगा, तो आर वन को बीट सुनाई देंगी। अब कौन सी फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी? जो रिफ्लेक्टेड होगी। क्यों? बिकॉज जो एच डैश है वो नजदीक आ रहा है, तो इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी हम क्या कह रहे हैं बताओ, जो है एच डैश की चेंज फ्रीक्वेंसी माइनस एस की चेंज फ्रीक्वेंसी। और एच डैश की चेंज फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने क्या किया कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स नजदीक आ रहा है, तो नीचे माइनस वो हो जाएगा। बेटा ध्यान रखना यहां पर क्या होगा, अगर देखोगे तो यहां पर यह होगा ना, एफ नॉट वी प्लस वीओ अपॉन वी माइनस वी एस, ये बनेगा। अब बाय द वे ये तो है जीरो और ये यू दे रखा है, इसको रादर प्लस माइनस कह लो तो ज्यादा बढ़िया ऊपर वाले को, ये हो गया। और ये वाली वैल्यू कितनी होगी अगर देखोगे, ये हो जाएगी एफ नॉट v प्लस माइनस v ऑब्जर्वर अपॉन v प्लस वी एस, ये करोगे। अब वो अलग बात है कि वी एस की वैल्यू कितनी देर की थी तुम्हें, u के इक्वल दी थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है, एक ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट पे है, ये भी तुमने कई सारी बुक्स में देखा होगा। एक सोर्स है, ये इधर को वीएस से आ रहा है, इसको वन कह देता हूं, और एक दूसरा सोर्स है, ये इधर को वीएस से जा रहा है, इसको टू कह देता हूं, और दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो 680 हर्ट्ज है, और बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज दे रखी है, और स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो तुम्हें वीएस कैलकुलेट करना, वीएस कितना हो? ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, वन सोर्स नजदीक आ रहा है वीएस से, टू सोर्स दूर जा रहा है वीएस से, स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड है, और दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 680 हर्ट्ज है, और ऑब्जर्वर जो बीट सुनता है वो 2 हर्ट्ज है, तो तुम्हें वीएस निकालना है। अब सिंपल सी बात है कि ये नजदीक आ रहा है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और ये दूर जा रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बीट फ्रीक्वेंसी बनेगी, ठीक है, उन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो बीट फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो मैं बीट फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकता हूँ, देखो बीट फ्रीक्वेंसी को मैं लिख सकता हूं एफ
वन डैश माइनस एफ टू डैश, ये कहता हूं। अब एफ वन डैश कितना लिख सकता हूं, एफ नॉट v अपॉन v माइनस वी एस माइनस, उसको लिख सकता हूं एफ नॉट v अपॉन v प्लस वी एस। अब इसमें तुम्हें एफ नॉट दिया हुआ 680 और v दिया हुआ 340, ये तो दे रखा है 680 और ये वाली जो वैल्यूज दे रखी है, ये 340 दे रखी है और बीट फ्रीक्वेंसी तुम्हें 2 दे रखी है, तो यहां से तुम्हें वी एस निकालना है। लेकिन अगर तुम एज इट इज वी एस निकालोगे तो उसकी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है बेटा। अगर तुम एज इट इज निकालोगे ना तो कॉम्प्लेक्स हो जाती है बहुत इसकी कैलकुलेशंस, करके ट्राई करके देखना आप। तो फिर हमें इसमें बाइनोमियल लगाना पड़ता है। अब तुम कहोगे बाइनोमियल क्यों लगाया, बाइनोमियल इसलिए लगाया बिकॉज बीट फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, 2 हर्ट्ज बहुत कम है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में उतना चेंज नहीं आ रहा है, और उतना चेंज तब नहीं आएगा जब वी एस की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन वी होगा, ये कह रहा हूं। समझ में आ रहा है ना, तुम कह सकते हो कि आपने शुरू में ही कैसे डिसाइड कर दिया कि बाइनोमियल आप लगाएंगे, तो एक्चुअल में क्या था कि बीट फ्रीक्वेंसी बहुत कम आ रही थी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो वो तभी पॉसिबल है जब सोर्स की जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ साउंड से क्या हो, बहुत कम हो। तो अब इसमें बाइनोमियल कैसे लगाते हैं वो देख लो बस। जैसे आप देखो ना, 2 इक्वल टू कितना हुआ बेटा, जो है 2 इक्वल टू 680। अब उसमें जरा ध्यान से देखना बेटा, मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, 340 से जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल से ये बनेगा 1 माइनस वीएस अपॉन 340 इसकी पावर माइनस 1 होगी। मैथ्स है थोड़ा सा देख लेना बेटा, जो है जैसे इस वाले को ना अगर मैं ये करूं बेटा, जो v से डिवाइड कर दूं तो ये ऐसे बनेगा ना 1 अपॉन 1 माइनस vs अपॉन v, या कह लो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस vs अपॉन v इसकी पावर माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूं। और वो दूसरे वाले में कितना आ जाएगा, -680 वन प्लस Vs अपॉन 340 इसकी पावर माइनस 1 हो जाएगा। और मैंने तुमसे कहा कि Vs की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 340 आएगी, तो इसका मतलब तुम बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हो। तो ये बाइनोमियल कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 680 1 प्लस Vs अपॉन 340 माइनस 680 1 माइनस Vs अपॉन 340। आई थिंक समझ में आ गया होगा बाइनोमियल लगाने के बाद क्या होगा। और फाइनली तुम देखोगे ये 1 वाला तो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो अल्टीमेटली ये बनेगा 2
इंटू 680 अपॉन 340 इंटू वी एस, मेरे ख्याल से ये बनेगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से वीएस की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड, मेरे ख्याल से वही आंसर है। क्वेश्चन और सॉल्यूशन एक बार दोबारा देख लो। ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, वन सोर्स उसके नजदीक आ रहा है वीएस से, टू सोर्स उससे दूर जा रहा है वीएस से, तो इसका मतलब वन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और टू की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और तुम्हें बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज दे रखी है, तो इसका मतलब F1-F2 वो आपको 2 दिया हुआ है। अब F1 के लिए तो मैं अप्लाई करूंगा V upon V-VS और F2 के लिए मैं अप्लाई करूंगा V upon V+VS, लेकिन अगर तुम एज इट इज वैल्यूज रखोगे तो फिर वो कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी वीएस निकालने के लिए, तो मैंने कहा ऐसे केसेस में बाइनोमियल यूज करते हैं। अब तुम कह सकते हो कि शुरू में ही कैसे बाइनोमियल डिसाइड कर लिया आपने कि बाइनोमियल लग जाएगा, तो मैंने तुमसे कहा बीट फ्रीक्वेंसी कम आ रही है, 2 हर्ट्ज बहुत कम होती है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में उतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ, और वो तभी नहीं होगा जब वीएस की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन क्या होगी, तो वी होगी, या फिर वीएस की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 340 होगी, तो इसलिए हम बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें क्या है देखो, सोर्स की फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है और सोर्स और रिसीवर एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखे हुए, और सोर्स SHM कर रहा है ओमेगा फ्रीक्वेंसी से और इतने एम्पलीट्यूड से, ठीक, और तुमसे कहता है एट व्हाट वैल्यू ऑफ ओमेगा बैंडविड्थ रजिस्टर्ड, वो 200 हर्ट्ज होगी और बी दे रखा है 340 मीटर पर सेकेंड। अब सुनो इसमें क्या है, ये ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, और ये सोर्स ये SHM कर रहा है, ए गिवन है और ओमेगा तुम्हें निकालना है, और किस चीज के लिए ओमेगा निकालना है कि इसको जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होती है उसका जो बैंडविड्थ है वो 200 हर्ट्ज दिया हुआ है, एक बार दोबारा सुन लो, और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी सोर्स की वो 2000 हर्ट्ज थी, ऑब्जर्वर या रिसीवर, जो इसको रिसीवर कहता है ऑब्जर्वर या फिर रिसीवर, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ऑब्जर्वर या रिसीवर रेस्ट पे है, सोर्स SHM कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, ओमेगा निकालना है, और वो ओमेगा उस वैल्यू के लिए निकालना है कि ऑब्जर्वर या रिसीवर जो फ्रिक्वेंसी सुन रहा है उसकी बैंडविड्थ 200 हर्ट्ज़। अब इसका देखो मतलब क्या है बैंडविड्थ का, वो बता देता हूं। ये बताओ कि सोर्स जब बिल्कुल मीन पोजीशन में होगा और वो इधर को आ रहा होगा ओमेगा ए से, तब ये जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा ये मिनिमम सुनेगा ना, मतलब इस वाले केस में अगर तुम देखो, सॉरी मिनिमम नहीं मैक्सिमम सुनेगा, क्यों
समझ में आ रहा है ना, सोर्स जब मीन पोजीशन में है और वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी से, तो उस समय जो ऑब्जर्वर सुनेगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी सुनेगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनेगा। और जब सोर्स मीन पोजीशन पे है लेकिन अवे जा रहा है वही ओमेगा ए से, तो अब जो ये फ्रीक्वेंसी सुनेगा ये मिनिमम सुनेगा। सोर्स मूव कर रहा है, ध्यान रखना बेटा, सोर्स मूव कर रहा है और तुमसे कहता है मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है, बैंडविड्थ का मतलब डिफरेंस, वो 200 हर्ट्ज है। तो तुम सिंपली ये लिखोगे कि जो 200 हर्ट्ज है वो एफ की मैक्सिमम वैल्यू माइनस एफ की मिनिमम वैल्यू होगा। और एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, देखो एफ नॉट सोर्स मूव कर रहा है, ध्यान रखना बेटा जो है, तो ये हो जाएगा v अपॉन v माइनस ओमेगा a माइनस f नॉट v अपॉन v प्लस ओमेगा a, ये इक्वेशन बनेगी। अब तुम्हें दे रखा है f नॉट दिया हुआ 2000 हर्ट्ज, और v तुम्हें दिया हुआ है 340 हर्ट्ज, मीटर पर सेकंड सॉरी, एम्पलीट्यूड तुम्हें दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.5 मीटर, क्यों 0.5 मीटर, तो यहां से तुम ओमेगा निकाल देना। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, रिसीवर या ऑब्जर्वर और सोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग है, रिसीवर या ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स एसएचएम कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, ओमेगा निकालना है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट गिवन है, और ओमेगा उस वैल्यू के लिए निकालना है कि रिसीवर या ऑब्जर्वर जो भी फ्रिक्वेंसी सुन रहा है उसकी जो बैंडविड्थ है वो 200 हर्ट्ज है, और बैंडविड्थ का मतलब मैंने ये बताया कि मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो तब सुनेगा जब सोर्स मीन पोजीशन पे होगा और टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आ रहा होगा, और मिनिमम वो तब सुनेगा जब वो मीन पोजीशन पे होगा और ऑब्जर्वर से अवे जा रहा होगा। और मीन पोजीशन को मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं बिकॉज उसमें सोर्स की जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, तो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आएगा वो मैक्सिमम आएगा, इसलिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या है देखो, इनिशियली ना ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक ही जगह थे और इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे रखी थी एफ नॉट वो 1700 हर्ट्ज थी। अब टी इक्वल टू जीरो पे सोर्स ए इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर से मूव करना शुरू कर देता है, मतलब सोर्स मूव करना शुरू कर देता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ध्यान रखना। तो तुमसे ये कहता है कि फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर या रिसीवर 10 सेकंड में कितनी होगी, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सोर्स और ऑब्जर्वर एक ही जगह पे थे, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स ऑब्जर्वर से रिसीव करना शुरू कर देता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो तुमसे कहता है कि ऑब्जर्वर जो साउंड 10 सेकंड पे सुनेगा, ध्यान से देखना ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वर जो साउंड 10 सेकंड पे सुनेगा
वो फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो आप ये बताओ कि ऑब्जर्वर जो 10 सेकंड पे सुन रहा है वो एमिट पहले हो गई होगी ना, एमिट पहले हो गई होगी, और मान लो वो टी नॉट टाइम पे एमिट होती है, मान लो लेट टी नॉट टाइम पे वो एमिट होती है, और ऑब्वियस ही बात है टी नॉट की वैल्यू 10 सेकंड से कम रही होगी। क्वेश्चन समझ आ रहा ना, ऑब्जर्वर जो 10 सेकंड में फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो एक्चुअल में पहले कहीं पे टी नॉट टाइम पे एमिट हो चुकी होगी, क्यों, पहले किसी टाइम पे एमिट हो गई होगी और वो टाइम मैंने मान लो टी नॉट बोला। तो अब क्या देखो, अब टी नॉट टाइम पे सोर्स कितना आगे आ चुका होगा, ये हाफ ए टी नॉट स्क्वायर ये रहा होगा, यहां पे सोर्स होगा, और अभी इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, ए इंटू टी नॉट रही होगी, और अब जो साउंड चली होगी वो ऑब्जर्वर की तरफ स्पीड ऑफ साउंड वी से आई होगी ना, स्पीड ऑफ साउंड वी से आई होगी। तो अब देखो इक्वेशन क्या बनेगी, ऑब्जर्वर को वो 10 सेकंड में मिली, क्यों, ऑब्जर्वर को 10 सेकंड में मिली, तो इसका मतलब 10 इक्वल टू टी नॉट टाइम पे तो वो एमिट हुई प्लस हाफ ए टी नॉट स्क्वायर की इतनी डिस्टेंस उसने वी से कवर की होगी, तो इसका मतलब पहली इक्वेशन ये बनेगी, एक बार दोबारा सुन लो, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाना स्टार्ट करता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और तुमसे यह कहता है कि ऑब्जर्वर जो 10 सेकंड में फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो क्या होगी। तो मैंने तुमसे कहा कि जो 10 सेकंड में वो सुनेगा वो पहले कभी एमिट हो चुकी होगी, और मान लो वो टी नॉट टाइम पे एमिट हुई होगी, तो टी नॉट टाइम पे सोर्स कितना आगे जा चुका होगा, हाफ ए टी नॉट स्क्वायर, और उस जगह पे जो सोर्स की वेलोसिटी होगी वो ए इंटू टी नॉट होगी, और वहां पे जो साउंड एमिट होगी अब वो स्पीड ऑफ साउंड वी से वापस आएगी ऑब्जर्वर की तरफ, तो जो 10 सेकंड पे सुनी वो कितना होगा, देखो टी नॉट टाइम पे तो एमिट हुई बेटा, जो है एक तो ये टाइम तुमने ले लिया, और बाकी जो हाफ ए टी नॉट स्क्वायर ये जो डिस्टेंस है वो साउंड को किस स्पीड से ट्रेवल करना है, वी से ट्रेवल करना है ये कह लो, तो इस इक्वेशन से तुम टी नॉट निकालोगे, सबसे पहले निकालोगे टी नॉट, अब सिंपल है बस हो गया। अब तुम देखो सोर्स दूर जा रहा है, क्यों सोर्स दूर जा रहा है, तो इसका मतलब एफ डैश का मैं क्या फॉर्मूला बनाऊंगा, एफ डैश का मैं फॉर्मूला बनाऊंगा एफ वी अपॉन वी प्लस Vs, ये कर देना बस हो गया, रादर इसको F नॉट कह दो, और यहां पे जो Vs की वैल्यू होगी वो होगी A टाइम्स T नॉट, और F नॉट मेरे ख्याल से तुम्हें दिया हुआ है 1700, और V तुम्हें दिया हुआ है 340, ये कह, तो F डैश फाइंड करना है, तो लास्ट में F डैश फाइंड करना है, क्वेश्चन और सॉल्यूशन एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक ही जगह पे थे, ऑब्जर्वर वहीं पे रह जाता है, ऑब्जर्वर को ये रिसीवर कह रहा है, ये रोड ध्यान रखना, मेरे मुंह में ऑब्जर्वर चढ़ा रहता है, ऑब्जर्वर वहीं पे है और सोर्स ए नॉट एक्सीलरेशन से आगे चलता है, तुमसे कहता है कि ऑब्जर्वर 10 सेकंड में क्या फ्रीक्वेंसी सुनेगा,
तो मैंने तुमसे कहा कि 10 सेकंड में जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो पहले कभी एमिट हो चुकी होगी, और मान लो वो टी नॉट टाइम पे एमिट हुई होगी, तो इस टी नॉट टाइम पे सोर्स कितना आगे जा चुका होगा, हाफ ए टी नॉट स्क्वायर, और उस समय उसकी वेलोसिटी ए इंटू टी नॉट रही होगी, और वो अवे जा रहा होगा, ध्यान रखना बेटा जो है। अब मैंने आपसे कहा उस समय जो साउंड निकली होगी, फिर वो स्पीड ऑफ साउंड वी से वापस आएगी ऑब्जर्वर की तरफ, तो इसका मतलब जो 10 सेकंड का टाइम है वो किसके इक्वल होगा, टी नॉट टाइम पे तो एमिट हुई प्लस हाफ ए टी नॉट स्क्वायर की जो डिस्टेंस है वो वी से उसने ट्रेवल की होगी, तो हाफ ए टी नॉट स्क्वायर अपॉन वी वो रखोगे, तो वहां से तुम सबसे पहले टी नॉट निकालोगे, और एक बार टी नॉट निकल गया फिर आ जाएगा फिर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। सोर्स की वेलोसिटी 0.8 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ साउंड है, मतलब ये दिया हुआ है वी एस इक्वल टू 0.8 वी, ये दिया हुआ है, और एफ नॉट तुम्हें 1.8 किलोहर्ट्ज़ दिया हुआ है। और यहां से ना ये ऑब्जर्वर है और ये 240 मीटर की डिस्टेंस पे है, 50 मीटर सॉरी, और यहां से सोर्स आ रहा है, अब इसमें क्या पूछता है, देखो पहले पार्ट में क्या पूछता है, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड व्हेन सोर्स गेट्स क्लोजेस्ट टू हिम, व्हेन सोर्स गेट्स क्लोजेस्ट टू हिम, इसका मतलब जिस समय सोर्स यहां पर है, यहां पर पहुंच चुका है, उस समय ऑब्जर्वर क्या फ्रीक्वेंसी सुनेगा, ये तुमसे कह रहा है, तो वो इस साउंड को पहले कभी एमिट कर चुका होगा ना, मान लो जब यहां पे था बेटा जो है, यहां पे उसने जो साउंड एमिट की थी ये थी, ये ऐसे आ रही है, इधर मान लेता हूं, चलो ऑब्जर्वर एक सेकेंड है, देखो मान लो यहां पे साउंड एमिट हुई थी जो यहां से यहां पहुंची, और तब तक सोर्स यहां से यहां पहुंच गया, समझे ना, तब तक सोर्स यहां से यहां पहुंच गया, अब इस समय मान लो एंगल थीटा रहा होगा, तो तुम्हें याद होगा ये हम वी एस का कॉस थीटा कंपोनेंट लेते हैं, क्यों, यहां पे लेते हैं वी एस का कॉस थीटा कंपोनेंट लेते हैं ना, यही तो करते हैं कि नहीं करते हैं बताओ जो है, तो इसका मतलब जो एफ डैश की वैल्यू रही होगी वो रही होगी एफ नॉट वी अपॉन वी माइनस वी एस कॉस थीटा। अब इसमें से एफ नॉट तो लेना है तुमने 1.8 किलोहर्ट्ज़, और वी एस को तुम्हें 0.8 भी लिखना है, लेकिन अभी एक चीज और रह गई है कि कॉस थीटा कितना लिखोगे, कॉस थीटा कितना लिखोगे, तो मुझे एक बात बताओ कि ये वाली जो डिस्टेंस रही होगी ये रही होगी वी एस इंटू टी रही होगी, और ये वाली जो डिस्टेंस रही होगी ये v इंटू टी रही होगी ना, ये अगर आप देखोगे तो ये v इंटू टी रही होगी, इसका मतलब cos थीटा कितना लिखोगे, देखो जो है cos थीटा तुम्हें फिगर में दिख रहा होगा वो वी एस इंटू टी अपॉन v इंटू टी, ये रहा होगा, टी से टी कैंसिल हो गया,
क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। ऑब्जर्वर यहां पर है, वीएस और वी में ये रिलेशन दिया हुआ है, और सोर्स यहां से कहीं से आ रहा है, तो तुमसे ये कहता है कि ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो कितनी होगी जब सोर्स उसके सबसे नजदीक है, क्लोजेस्ट है। इसका मतलब वो उस साउंड को पहले एमिट कर चुका होगा, नहीं उस साउंड को पहले एमिट कर चुका होगा, और मैंने कहा मान लो वो यहां पे एमिट कर चुका था, यहां पे एमिट कर चुका था, तो इसका मतलब साउंड वी की स्पीड से ऐसे आई होगी, नहीं है साउंड वी की स्पीड से ऐसे आई होगी, तो ये वाली डिस्टेंस को इसीलिए मैंने वी इंटू टी लिख दिया। तो जब तक साउंड यहां से यहां पहुंचती है टी टाइम में कह लो, तब तक सोर्स को यहां से यहां पहुंच जाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये वाली डिस्टेंस को वी एस इंटू टी लिख दिया है, और फिर मैंने कॉस थीटा को लिख दिया वी एस टी अपॉन वी टी, इसका मतलब वी एस अपॉन वी आ गया कह लो, तो ये 0.8 आ गया वैसे भाई देवे। और तुम जानते हो कि ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वी एस कॉस थीटा ये लेते हैं, और सोर्स नजदीक आ रहा है तो ऑब्वियस बात है नीचे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये कहते हैं। अब चलते हैं बी पार्ट में, अब बी पार्ट में कहता है कि जब एफ डैश इक्वल टू एफ हो तो उसमें सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो। दूसरे पार्ट में ये पूछ रहा है कि जब एफ नॉट कह लो रादर, जब ऑब्जर्वर नेचुरल फ्रीक्वेंसी सुन रहा है, समझे ना, जब ऑब्जर्वर नेचुरल फ्रीक्वेंसी सुन रहा है तो उस समय सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस क्या हो। तो एक बात बताओ कि जिस समय सोर्स बिल्कुल यहां पर रहा होगा, जिस समय सोर्स बिल्कुल यहां पर रहा होगा, उस समय जो उसने साउंड एमिट की होगी, नहीं है उस समय जो उसने साउंड एमिट की होगी उसमें उसको कोई चेंज नहीं सुनाई देगा ना, मतलब ये वाली साउंड अगर तुम देखोगे, ये वाली साउंड एफ डैस इक्वल टू एफ नॉट के इक्वल होगी, अब आप मेरे को ये देखो कि ये इधर को कितने से चल रहा है बेटा, जो है ये इधर को चल रहा है वी से चल रहा है, क्यों ये इधर को चल रहा है वी से चल रहा है, इसका मतलब इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बताओ, इसको यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 250 मीटर की डिस्टेंस थी अपॉन वी। अब इतने टाइम में सोर्स इधर चला जाएगा और ये कितना होगा, ये होगा Vs इंटू टी, और Vs इंटू टी का मतलब कितना हो गया, Vs इंटू 250 अपॉन V, और Vs अपॉन V की वैल्यू ऐसे बाय द वे 0.8 दे रखी थी, क्यों 0.8 दी थी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.8 इंटू 250, तो आई थिंक ये 200 मीटर हो जाएगा, क्यों उसके बाद तुम पाइथागोरस से ये वाली डिस्टेंस निकाल लेना, ये पूछ रहा था, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस अगर देखोगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 250 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये 250 था, ध्यान रखना। क्वेश्चन और सॉल्यूशन एक बार दोबारा से बता देता हूं, ऑब्जर्वर रेस्ट पे था, सोर्स उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 250 मीटर में, वीएस इक्वल टू 0.8 वी से आ रहा था, पहली बात। आपसे ये कहता है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर बिल्कुल नजदीक हो, मतलब सोर्स जब यहां पे हो,
ऑब्जर्वर कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनेगा, क्या फ्रीक्वेंसी सुनेगा? तो ऑब्वियसली बात है, जब सोर्स यहां पर रहा होगा और अभी जो वो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है उसको उसने पहले कभी एमिट कर दिया होगा, नहीं उसने पहले कभी एमिट कर दिया होगा, और मान लो उस समय सोर्स यहां पर था, तो मैंने आपको बताया कि सोर्स तो चला होगा वीएस इंटू टी और साउंड चली होगी v इंटू टी, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, साउंड चली होगी v इंटू टी, तो यहां से तुमने कॉस थीटा ले लिया, और ऐसी सिचुएशन में फिर तुम जानते हो कि हम लोग vs cos थीटा लेते हैं, ये कह देते हैं। और दूसरे पार्ट में तुमसे क्या कहा था, दूसरे पार्ट में तुमसे कहा था कि जब ऑब्जर्वर f डैश इक्वल टू f नॉट सुनता है तो उस समय सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो f डैश इक्वल टू f नॉट कब सुनेगा, जिस टाइम पे सोर्स यहां पर रहा होगा। इसका मतलब ये वाली जो साउंड निकली होगी और इस साउंड को ऑब्जर्वर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, तब 250 अपॉन v लगा होगा, और इतने टाइम में सोर्स आगे निकल गया होगा और वो कितना निकल गया होगा, vs इंटू टी, तो वो 200 मीटर आ गया, तो वहां से तुमने सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की क्या कर ली, डिस्टेंस फाइंड कर ली। ये अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। स्टेशनरी सोर्स है, ध्यान रखना। और वॉल अप्रोचेज इट विद वेलोसिटी 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ साउंड ये दे रखी है, तो तुमसे कहता है इन व्हाट वे एंड हाउ मच इन परसेंट डज द वेवलेंथ ऑफ साउंड चेंज ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल। मतलब कुछ ऐसा है, देखो ये सोर्स रेस्ट पे है और ये वॉल है और ये इधर को U से आ रही है, U की वैल्यू दे रखी है 33 सेंटीमीटर पर सेकंड, और इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो मैं F ले लेता हूं और स्पीड ऑफ साउंड v दे रखी है, तो तुमसे कहता है कि रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी कितना परसेंट चेंज होगी, बेसिकली ये पूछा हुआ है। तो मेरे ख्याल से इस टाइप की प्रॉब्लम में तुमने पढ़ा होगा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि वॉल को ना ऑब्जर्वर मान लेते हैं, क्यों वॉल को ऑब्जर्वर मान लेते हैं, तो ये बताओ कि अगर मैं वॉल को ऑब्जर्वर मान लूंगा तो वो फ्रीक्वेंसी क्या फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, अगर तुम देखोगे तो क्या फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, तो मैं लिख दे रहा हूं फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय वॉल। F1 कह दे रहा हूँ, तो देखना सोर्स रेस्ट पे है और रिसीवर उसकी तरफ आ रहा है, नहीं है सोर्स रेस्ट पे और रिसीवर उसकी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि F V प्लस U अपॉन V आ गया, ये तो ऑब्जर्वर बन गया। अब सुनो, अब ये सोर्स बन जाता है ना, फिर रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए सोर्स बन जाता है, क्यों फॉर रिफ्लेक्टेड साउंड नाउ इट बिकम्स सोर्स अब सुनो, ये जो साउंड रिफ्लेक्ट करेगा वो इधर को जाएगी,
और वॉल भी इधर ही आ रहा है, मतलब सोर्स भी इधर ही आ रहा है, समझ गए ना, जिधर को साउंड जा रही है उधर ही को सोर्स भी आ रहा है, तो इसका मतलब नीचे माइनस यू होगा, नीचे माइनस यू होगा। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करेगा, एफ टू इक्वल टू कितना होगा, एफ वन होगा, ध्यान रखना बेटा, जो है वी अपॉन वी माइनस यू होगा। तो अगर मैं एफ वन की ऊपर से वैल्यू रख दूं तो ये बन जाएगी एफ वी प्लस यू अपॉन वी माइनस यू, ये बन गई, ये रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना, ये है रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब सिंपल है, देखो तुम्हें वेवलेंथ में चेंज पूछा था, वेवलेंथ पे चेंज पूछा था, तो जो ओरिजिनल वेवलेंथ थी लैम्डा कह दे रहा हूं, वो वी अपॉन एफ रही होगी, और जो रिफ्लेक्टेड रही होगी इसको लैम्डा डैश कह देता हूं, वो रही होगी वी अपॉन एफ टू रही होगी, क्यों वी अपॉन एफ टू रही होगी, और तुम्हें परसेंटेज चेंज निकालना था, परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज फिर तुम जानते होगे, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इनटू 100, ये हो जाएगा। एक बार दोबारा सुन लो, वॉल सबसे पहले सोर्स के नजदीक आ रहा है तो वो ऑब्जर्वर बन जाएगा, इसका मतलब वॉल जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, ठीक है ना, वॉल जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा उसको मैंने F1 कह दिया, तो वो आ गया F1 इक्वल टू F V प्लस U अपॉन V। अब ये क्या करेगा, अब ये सोर्स बन जाएगा, रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए सोर्स बन जाएगा। अब आप ये देखो कि ये जिधर को साउंड एमिट करेगा उधर ही को मूव कर रहा है सोर्स, तो इसका मतलब नीचे माइनस यू आएगा, समझे ना, नीचे माइनस यू आएगा, तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F1 V अपॉन V माइनस U आएगा। और फिर मैंने तुमसे कहा कि जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी वो थी V अपॉन F, और जो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी वो V अपॉन F2 होगी, रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ में परसेंटेज चेंज फिर कितना आ जाएगा लास्ट में, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इनटू 100, ये हो गया। तो फाइनल कैलकुलेशन करोगे तो ये -2% आ जाएगा, 0.2%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोर्स है इतना एंड रिसीवर है लोकेटेड ऑन सेम नॉर्मल टू ए वॉल, मतलब ये हो गया ना ऐसे, ये रिसीवर कह लो, ऑब्जर्वर कहता हूं जिसको मैं, और ये सोर्स कह लो, एक ही नॉर्मल में लाई कर रहे हैं, ये कह रहा है ये हो गया, और ये दोनों के दोनों रेस्ट पे हैं, ये दोनों के दोनों रेस्ट पे हैं, और वॉल इधर को जा रही है, ये वॉल इधर को जा रही है कितने से, u इक्वल टू 6 cm/s से, और इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो 700 Hz है, और जो तुम्हें स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है वो 340 ms/s दिया हुआ है, तो तुम्हें ऑब्जर्वर को बीट फ्रीक्वेंसी बतानी है। अब ध्यान से देखना, ऑब्जर्वर दो साउंड सुनेगा,
एक तो डायरेक्ट, और एक रिफ्लेक्टेड। अब जो डायरेक्ट साउंड सुनेगा वो एस से सुनेगा, नहीं बताओ, वो सुनेगा एस से, और ऑब्जर्वर और एस दोनों रेस्ट पे है। इसका मतलब जो डायरेक्ट साउंड होगी वो तो इसको 1700 ही सुनाई देगी, 1700 हर्ट्ज यही सुनाई देगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ऑब्जर्वर दो साउंड सुनेगा, डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड। डायरेक्ट में मैंने तुमसे कहा कि एस से सुनेगा और ओ और एस दोनों रेस्ट पे हैं, इसका मतलब वो 1700 हर्ट्ज सुनेगा, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, जो है रिफ्लेक्टेड में पहले वॉल ऑब्जर्वर बनेगी और ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, नहीं पहले वॉल ऑब्जर्वर बनेगी और वो दूर जा रहा है, तो इसका मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी। एफ वन कह लो, ये हो जाएगी एफ नॉट वी माइनस यू अपॉन वी, ये हो गया। दोबारा सुन लो, पहले वॉल ऑब्जर्वर बनेगी और ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो ये है। अब रिफ्लेक्टेड आएगा, रिफ्लेक्टेड कैसे हो गया, ये रिसीव है बेटा जो है, एफ वन जो मैंने लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है रिसीव बाई वॉल। अब रिफ्लेक्टेड में चलते हैं। अब आप ये देखो कि ये साउंड इधर को एमिट करेगा और ये इधर को जा रहा है, दूर जा रहा है, समझ रहे हैं, दूर जा रहा है, तो इसका मतलब नीचे प्लस आएगा। तो एफ टू की वैल्यू कितनी होगी, तो जो है एफ टू की वैल्यू होगी एफ वन वी अपॉन वी प्लस यू, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी बस, हो गया। और फाइनली जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ टू और एफ नॉट में जो डिफरेंस होगा वो बीट फ्रीक्वेंसी होगी। एफ नॉट इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ये एस से सुनी थी उसने, फ्रॉम एस। और ये किससे सुनी थी बताओ, जो है ये सुनी थी फ्रॉम वॉल। एक बार दोबारा सुन लो, सोर्स और ऑब्जर्वर एक ही नॉर्मल लाइन पे हैं, एक ही नॉर्मल लाइन का मतलब इस पे कह लो, और दोनों रेस्ट पे हैं, लेकिन वॉल दूर जा रही है, ये वॉल है ध्यान रखना बेटा, वॉल दूर जा रही है और कितनी वेलोसिटी से, यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से। अब तुमसे कहता है कि ऑब्जर्वर कितनी बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसको जो बीट सुनाई देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो मैंने तुमसे कहा कि ऑब्जर्वर दो साउंड सुनेगा, एक तो डायरेक्ट और एक रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वॉल। डायरेक्ट वो एस से सुनेगा और ओ और एस दोनों रेस्ट पे हैं, तो इसका मतलब एफ नॉट ही सुनेगा, समझे ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो एफ नॉट सुनेगा। अब चलते हैं वॉल से रिफ्लेक्टेड क्या सुनेगा। वॉल पहले तुम जानते हो रिसीवर बनती है, नहीं वो ऑब्जर्वर बनती है, तो वो दूर जा रहा था, अगर आप देखो तो ऑब्जर्वर दूर जा रहा था, तो मैंने ऊपर माइनस कर दिया, देखो। अब उसने जो साउंड रिसीव की पहले, जिसको मैंने F1 कहा, अब वो उसी को रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन ये वॉल इधर को रिफ्लेक्ट करेगा और अपना ये इधर को जा रहा है, तो इसका मतलब मैं नीचे क्या करूंगा, तो सोर्स की जगह क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, तो
तो यहां से तुम्हारी फिर निकलेगी रिफ्लेक्टेड साउंड, ये रिफ्लेक्टेड होगी। और लास्ट में मैंने तुमसे कहा कि रिफ्लेक्टेड साउंड और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होगा उसी को तुम बीट फ्रीक्वेंसी कहते हो। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखो, पॉइंट सोर्स है, इससे 20 मीटर की डिस्टेंस पे तुम्हें लाउडनेस 30 डेसिबल दे रखी है, तो 10 मीटर की डिस्टेंस पे लाउडनेस क्या होगी? और एक तुमसे कहता है एट व्हाट डिस्टेंस, वो साउंड सुनेगा ही नहीं। इसका मतलब एक तरीके से यहां पे 0 डेसिबल हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। दोबारा सुन लो, पॉइंट सोर्स से 20 मीटर की डिस्टेंस पे आपको 30 डेसिबल की लाउडनेस सुनाई देती है, तो 10 मीटर की डिस्टेंस पे आपको क्या लाउडनेस सुनाई देगी? और कितनी डिस्टेंस पे आपको साउंड सुनाई ही नहीं देगी? तो एक तरीके से वहां पर लाउडनेस 0 हो गई, ये इसका मतलब है। तो मेरे ख्याल से इसमें देखो, तुमने कई वो पढ़े होंगे, जैसे ना पॉइंट सोर्स है, मान लो पॉइंट सोर्स है, तो उसमें तुमने एक तो ये पढ़ा होगा आई प्रोपोर्शनल टू 1/r². तो इसका मतलब मैं I1/I2 को R2/R1 ये लिख सकता हूं, R1 का स्क्वायर, एक तो ये इक्वेशन लगाऊंगा मैं। दूसरा L इक्वल टू 10 log 10 base I/I0 होता है। दूसरी इक्वेशन तुम्हें याद होगा ये बनती थी, और यहाँ पे जो ये डेसिबल में आती है, लेकिन ये जो लाउडनेस है ये ऑलरेडी किसमें है, डेसिबल में है। और यहाँ पे वैसे बाय द वे जो आई नॉट होती है वो 10^-12 वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। थर्ड कह देता हूँ चलो इसको, और इसी से तुम एक और इक्वेशन बना सकते हो, L2-L1 इक्वल टू 10 log 10 base I2/I1 या 10 log 10 base R1/R2 इसका स्क्वायर, ये कह लो बस हो गया, इसको हम यूज कर सकते हैं। आप देखो ना, इसको हम यूज कर सकते हैं, ये कह लो। अब जैसे पहले पार्ट में देखता हूं मैं, देखो L2 तुम्हें निकालना है, L1 तुम्हें 30 दिया हुआ है, नहीं है, L2 तुम्हें निकालना है, L1 तुम्हें 30 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, 10 log 10 base R1 दिया था 20 मीटर, क्यों? R1 20 मीटर दिया था ना बेटा जो है, और एक सेकंड, हाँ R1 दिया था 20 मीटर और R2 दिया हुआ 10, इसका स्क्वायर हो गया, तो यहां से L2 फाइंड कर लेना बस हो गया। L2 मतलब जो बाद में निकालना है, L1 मतलब जो तुम्हें दिया हुआ है, ये कह रहा हूं। अब बी पार्ट में आ जाओ, L2 को 0 ले लेना, तो सो गया, क्यों L2 को 0 ले लेना, कि मैंने कहा तुमसे वहां पे साउंड लेवल 0 हो जाए बेटा जो है, तो L2 को 0 ले लेना, -30 इक्वल टू 10 log 10 base R1 दिया था 20
और आर टू तुम्हें निकालना था, क्यों? आर टू तुम्हें निकालना था इसका स्क्वायर, तो यहां से आर टू निकाल लेना, ये कर लेते। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कितनी डिस्टेंस पे वो साउंड नहीं सुनेगा, नहीं कितनी डिस्टेंस पे वो साउंड नहीं सुनेगा, इसका मतलब वहां पे तुम लाउडनेस को कितना लिख लोगे, 0 डेसिबल कर देना, बस हो गया, वहां से भी काम कर। तो ये हमारा वेव मोशन कंप्लीट हो गया। अब हम अगले में करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।